जन सुनवाई में पहुंचे 11 आवेदन, एसडीएम कार्यालय में हुई जन सुनवाई हटा। अनुविभाग की जन सुनवाई मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में एसडीएम राकेश मरकाम की उपस्थिति में हुई, जिसमें 11 आवेदन पहुंचे, जिसमें भैंसा से प्रेमलाल प्रजापति ने बताया कि मौजा भैंसा के पटवारी हल्का नंबर 44 का नया खसरा नंबर 1363/1 में रकबा 0.48 हेक्टेयर जमीन दर्ज है, जिसके सीमांकन का आवेदन लगाया गया लेकिन सीमांकन नहीं हो रहा है एवं पड़ोस के किसान ने मेरी ज़मीन पर जबरन आम के पेड़ लगा दिए हैं, इसलिए जल्द सीमांकन कराने की गुहार लगाई है। जबकि दूसरे आवेदक शिवराम पटेल देवरागढ़ी ने नक्शा बटंगा कराने एवं सुधार के लिए आवेदन सौंपा एवं बताया कि हम पिछले 3 वर्षों से राजस्व विभाग के चक्कर लगा रहे हैं एवं एक आवेदन दिसंबर 2023 में एसडीएम कार्यालय में दिया था, जिसमें पटवारी मनीष जैन द्वारा रुपये लेने के बाद भी काम न करने की शिकायत मेरे द्वारा की गई थी, लेकिन उस आवेदन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासकीय ज़मीन पर खेती करने वाले किसानों को भी मुआवजा देने की शिकायत संबंधित द्वारा की गई थी। यहां बता दें कि जन सुनवाई में अधिकांश राजस्व विभाग के प्रकरण सामने आ रहे हैं एवं आवेदक लंबे समय से नक्शा दुरुस्त सीमांकन बटांकन जैसे मामले आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तीसरी जनसुनवाई में भी अनुविभाग के अधिकारी समय से नहीं पहुंच रहे हैं एवं प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई नहीं होने से आम जनसुनवाई में नहीं पहुंच रहे हैं। मैं दिनांक 14/9/2022 से नक्शा दुरुस्ती के लिए चक्कर काट रहा हूँ राजस्व विभाग के, परंतु आज तक कोई सुधार नहीं हुआ और 50 आवेदन दे चुका है। और एक और प्रकरण है कि अति बाढ़ से प्रभावित देवरागढ़ी हल्का नंबर 27 की 42 लोगों की सूची जारी की गई थी, जिसमें उनको नुकसान कम हुआ था, मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिससे कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और 3 किसान 42 में से ऐसे थे जिनको सरकारी ज़मीन पर कब्जा कराया, उन्हें मुआवजा दिया गया। इस संबंध में पटवारी तहसीलदार एसडीएम से शिकायत की और आज तक इसके संबंध में कोई पटवारी से कार्रवाई की गई, इसलिए हमारे पत्रकार महोदय से निवेदन है कि इस समस्या को जल्द से जल्द। पैसे किसने मांगे थे? पटवारी के दिए सर, मनीष जैन द्वारा, मनीष जैन को दिए। कितने? 15,000। डॉक्टर गौरव खंडायत, नागपुर की सुप्रसिद्ध चर्म रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव खंडायत, MBBS नागपुर, MDN स्किन पुणे, हटा में उपलब्ध प्रत्येक माह की 2 तारीख को। मिलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। चर्म रोग, नाखून, बाल एलर्जी व सौंदर्य विशेषज्ञ, दाद, खाज एवं खुजली के रोगी अवश्य मिले। फंगल इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट। मिलने का स्थान अग्रसेन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, दिवाली वाले के बाजू में पेट्रोल पंप के सामने हटा। मोबाइल नंबर 9589243244। धन्यवाद। हटा में स्मार्ट ब्यूटी पार्लर में प्रशिक्षण की भी सुविधा। बड़ी संख्या में गुड़ सीख रही महिलाएं उपतियां। हटा नगर की रत्न बजरी में संचालित स्मार्ट ब्यूटी पार्लर महिलाओं युवतियों को पार्लर सेवा के साथ साथ ब्यूटी पार्लर से जुड़ी हर गतिविधियों का प्रशिक्षण भी दे रहा है, जिससे यहां बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां पहुंचकर प्रशिक्षण लेकर ब्यूटी से जुड़े गुण सीख रही हैं। स्मार्ट ब्यूटी पार्लर केंद्र पर आधुनिक दौर के सभी ब्यूटिशियन कोर्स सिखाए जा रहे हैं, साथ ही महिलाओं के लिए खास किस्म के सिंगार, ज्वेलरी और लहंगे पोशाक आदि भी उपलब्ध हैं, ताकि सभी प्रकार का कलेक्शन एक ही जगह उपलब्ध हो सके। मेकअप आर्टिस्ट दीपा सोनी का कहना है कि यहां महिलाओं को ब्यूटी से जुड़ी सभी जानकारियां और कोर्स सिखाया जा रहा है, ताकि महिलाएं और युवतियां आत्मनिर्भर बन सकें। भारत स्टील वर्कशॉप अंधियारा बगीचा हटा। हमारे यहां स्टील के गेट, खिड़की, ग्रिल, झूला, स्टील फर्नीचर का कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारी विशेषता है कि MIG वेल्डिंग मशीन से सभी कार्यों में फिनिशिंग की जाती है। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता अंधियारा बगीचा हटा, जिला दमोह। उपेंद्र प्यासी, मोबाइल नंबर 8085291196। अशोक पटेल, मोबाइल नंबर 7610460173। धन्यवाद।
खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712।